Hey guys, welcome back. मेरा नाम है अमन 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 अमन. So guys, आज है धनतेरस, इसलिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी धनतेरस. So guys, आज उठने में ना मुझे ना बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है, और इसलिए मुझे ना बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा हूँ अपने घर वालों को, क्योंकि वो लोग है ना सुबह के सुबह है ना 7 बजे से उठे हुए हैं, और मैं है ना 11 बजे उठा हूँ. बोलो, पता नहीं मेरी आदत कब सुधरेगी. हैप्पी धनतेरस खुशबू. हैप्पी धनतेरस भैया, और आप सभी को भी. खुशबू क्या कर रही है अभी? मैं है ना अपना दिवाली होमवर्क कर रही हूँ. हाँ, फटाफट से फिनिश कर दे, क्योंकि दिवाली होमवर्क तेरा हो जाएगा ना तो हमें घूमने चलेंगे जैसलमेर. हाँ, इसीलिए तो अभी फटाफट कर रही हूँ. हैप्पी धनतेरस पायल. हैप्पी धनतेरस, और आप सभी को भी मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस. सो गाइस, दिवाली का सीजन जो है वो आ चुका है. हम लोग सुबह उठ के मस्त मस्त से गुड गर्ल भी बन चुके हैं, और भैया अभी तक नहाया भी नहीं है. 24 घंटे में एक बार नहाते हैं ना खुशबू? सही बात है. वही तो, कल रात को ही नहाया था मैंने 10 बजे, तो अभी मतलब टाइम नहीं हुआ है नहाने का. हाँ तो क्या 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 आज रात को भी फिर से 10 बजे ही नहाना है? ना ना ना, आज तो धनतेरस है, आज तो नहा धो के पूजा भी करना है ना, तो जल्दी ही नहा लूंगा. नहाने जा नहाने. हाँ हाँ, नहा लेता हूँ. तुम लोग मेरे नहाने की चिंता मत करो, अपना चुपचाप है ना होमवर्क करो. हम वो कर लेंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. पायल. हाँ. तेरा होमवर्क हो गया? मेरा तो थोड़ा सा ही बाकी है. हाँ चल, फटाफट से होमवर्क कर ले, फिर मम्मी का सरप्राइज लेने चलते हैं. ठीक है? ठीक है. यस. तू नहीं जाएगी? क्या जाने वाली? मैं जाने वाली और पापा जाने वाले. हाँ तो कोई बात नहीं, मैं मम्मी को घर पे रह के सब बता दूंगी. ना 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 ना, एक काम करते पायल, मैं रह जाऊंगा, तू इसको लेके चली जाना. सिर्फ लेके ही आना है ना? हाँ लेके ही आना है, डिजाइन वो सब तो फाइनल हो चुका है. इसको लेके जाना, मैं घर पे ही रहूंगा. ठीक है? ठीक है, नहीं तो मैं तो प्लान को चौपट कर दूंगी. ये बहुत ही शातिर है गाइस. वैसे ही है ना, मम्मी पापा जो है ना घर की बाहर की जो है वो सफाई कर रहे हैं. यहाँ पे ना बहुत सारी गंदगी थी, जो है ना उन्होंने है ना मतलब साफ कर दिए, और जो मतलब पस्ती होता है ना वो भी है ना बेच दिया है ना मम्मी. अभी देखो गाइस, अभी भी इतना सारा साफ सफाई जो है वो बाकी है. मम्मी एक काम करते हैं, सुंदर सुंदर पौधे लाते हैं और चलेंगे. हाँ चलेंगे, पर ये सारे चीजें अच्छे से अरेंज कर दो ना. कब तक करोगी? हाँ तो लग जाएगा, 12 बज ही जाएगा. 12 बज जाएगा. ये सारे बेड यहाँ पे रखे हुए वो कहाँ पे रखोगी? इधर रखेंगे. कहाँ पे? इधर गाड़ी को इधर रखेंगे, गाड़ी यहाँ रखेंगे. कहाँ पे? यहाँ पे. ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रख देंगे, और फिर वहाँ बेड लगाएंगे. कहाँ पे? वहाँ पर रख देंगे, खटला है ना वो, खाटले के पास वो सारा बेड रख देंगे. हाँ. क्योंकि बेड की जगह अभी हमारे घर पे आ चुके हैं सोफे. अभी गाइस ये सारी चीजों को तो हम हटा नहीं सकते, ये सारी चीजें है ना मेरे पापा के बहुत ही दिल के करीब है, इसलिए ये सब कुछ चीजों को हम बेच नहीं सकते. इसलिए ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीन चीजें तो हमारे घर में परमानेंटली रहेगी ही. हम जहाँ जहाँ जाएंगे ये लेके ही जाएंगे ना मम्मी. ये पुस्तानी है. पुस्तानी नहीं बोलते, पुस्तेनी बोलते. पुस्तेनी वही. मम्मी को गाइस है ना बिहारी बोलने की आदत है ना, इसलिए है ना हिंदी बोलने में ना थोड़ा सा है ना इधर उधर हो जाता है ना मम्मी. हाँ. ये देखो गाइस, डाइनिंग टेबल का क्या हाल बना के रखा है तुम लोगों ने. तुम्हारे लिए कितना अच्छा स्टडी टेबल मैंने ना अपने रूम में रखा है, वहाँ पे जाके पढ़ाई नहीं करते तुम लोग. वो सबसे ऊपर कौन जाएगा? फिर खाने के लिए 2 मंजिला नीचे आना पड़ता है. यहाँ पे है ना एक कोट हुआ था पेंट का, लेकिन पापा ने ना आज सुबह ही है ना इसके ऊपर है ना दूसरा कोट जो है वो कर दिया है, और देखो जिसकी वजह से हमारे घर का कुछ ये हाल है देखो. और फिर से इसको है ना सारा का सारा जो है वो अरेंज करना पड़ेगा. यही हमारा काम है, पेंट करो, साइड हटाओ सारा सामान, फिर अरेंज करो, पेंट करो, साइड करो सामान, अरेंज करो. यही काम रह गया है अभी. जब तक है ना दिवाली नहीं आएगी ना, तब तक है ना गाइस ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा. कुछ ना कुछ हमारे घर में ना चेंजेस होते ही रहेंगे. मम्मी इधर आओ, इधर आओ फटाफट बोलो. आज आपको है ना एक बहुत ही मस्त सा सरप्राइज मिलने वाला है. क्या चीज मिलने वाला है? अरे पर मम्मी आपको सरप्राइज मिलने वाला है वो मैं आपको कैसे बता दूं? मेरे तरफ से, पायल के तरफ से, खुशबू के तरफ से, और पापा की तरफ से. ठीक है? देखती हूँ. आज धनतेरस है तो आप गैस कर सकते हो आपको क्या मिलने वाला होगा. मैं ऐसे कैसे बता दूं? अरे कुछ खरीदने वाले हो ना? हाँ कुछ खरीदने वाले जो आपके लिए. ठीक है? वेट करो वेट करो. तो सारी पेंटिंग हो गई है ना हमारी. हाँ. तो ये सारा का सारा साफ कर दो वरना इसके अंदर है ना लगा ही रहेगा. पायल जाके पापा को बोलना फटाफट से जो है वो मम्मी के लिए गिफ्ट लेकर आ जाए. कैसे जाए? मम्मी पापा अभी बाहर जा रहे हैं. बाहर जा रहे हैं? हाँ. अरे यार जब हमको सरप्राइज देना होता है ना तभी इन लोग को है ना बाहर जाना होता है ना. मुझे कैमरा ही नहीं पकड़ने देता, पता नहीं क्या समझता है आप यहाँ पे. मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को वीडियो बनाना अच्छा लगता है. हाँ तो मेरे को भी पकड़ना है, मेरे को पकड़ने दे. ना मैं ही बनाऊंगा.
ए, मैं बनाऊंगा, मैं अच्छा बोलता हूँ ना गाइस। ब्यूटीफुल लग रही हूँ बे, तू तो बहुत पकाती है गाइस को, बहुत पकाती है। सोफे पे खड़ी है पायल, तेरा पैर दिखा तो पहले फटाफट से देख, पैर दिखा। ये भगवान कितना गंदा पैर है, तेरे मुंह से तो साफ ही है, चल हट गिट्टी। कितना सुंदर है, गटर के नाले जैसा। इसकी बेइज्जती जो है यही कर सकती है, और इसकी बेइज्जती यही कर सकती है। मैं तो इन दोनों को कुछ बोलता ही नहीं हूँ, बोलूंगा तो ये दोनों मेरी बेइज्जती कर देंगे। मुझे बेइज्जती करना आता ही नहीं है गाइस, मैं क्या करूँ क्या करूँ। मारिए धक्का, वो रेडी है धक्का मारने के लिए। अरे ये तो भारी है, टूट जाएगा, उठाओ। इधर रखना है। किधर? भले हड्डी ऊपर, मेरे में ताकत बहुत है। ये गाड़ी का चाबी नहीं है क्या? नहीं है। पेनी? पेनी या? उस पेनी चीजों को संभाल के रखो। इधर तो जगह रखी है एक्टिवा रखने के लिए। फटाफट से इधर आ, पूरा झाड़ू मार के साफ कर। क्या आपको लगता है कि मैं ये काम करूंगी? करना तो पड़ेगा बहन। मैं नहीं कर रही, मार दे ना, मम्मी की थोड़ी सी हेल्प कर दे, फटाफट से हो जाएगा। झाड़ू नहीं है। ये क्या है, तू अंधी है? ये क्या है? वो तो इतू सा झाड़ू है। हो जाएगा, ला मम्मी झाड़ू दो, बड़ी वाली ले ले, झाड़ू ले। हाँ भैया मारेगा झाड़ू। चल लगा लगा झाड़ू लगा। क्या क्या काम करना पड़ता है गाइस, क्या क्या काम करना पड़ता है। हमारे घर की कामचोर लड़की जो है यहाँ पे बैठी है, सब लोग वहाँ पे ना बाहर साफ सफाई कर रहा है कि ताकि है ना जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन ये लड़की यहाँ पे बैठकर क्या देख रही है? वीडियोस देख रही है। वाह, मैंने खाना बनाया, मेरा हो गया। खाना बनाया, एक खाना बना दिया ना, देखना गाइस अब पूरे दिन है ना ये कोई भी काम नहीं करेगी, पूरे दिन है ना इसकी पीपुड़ी बजाती रहेगी कि खाना बनाया खाना बनाया। यार ऐसा क्यों करता है, मेरा माथा भी दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत भी अच्छा नहीं है, तब भी मैं कुछ ना कुछ तो कर रही हूँ ना। ओह माय गॉड, पायल दीदी का तबीयत खराब है, वो खाना भी बनाई। अब आप लोग ऐसा बोलोगे लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, ये एक नंबर की नाटकड़ी है। थोड़ा थोड़ा सा इसका सर दर्द करता है, लेकिन हर बार तो ये बहाना नहीं दे सकते ना, काम तो करना पड़ेगा ना। मेरे भी पैर दुख रहे तो भी मैं काम करता हूँ, मेरे भी पैर दुख रहे तो भी मैं काम कर रही हूँ। तेरा सर भी दुखता है, तेरा पैर भी दुखता है। हाँ क्योंकि मुझे ताव भी आता है। ले अब इसको बुखार भी आ रहा है, देखो इससे ज्यादा झूठ कौन बोल सकता है गाइस। इसको सर दर्द कर रहा है, इसके पैर दर्द कर रहा है, इसको बुखार भी आ रहा है। वाह, और ये हमारी लड़की है जो झाड़ू लगा के आई है बाहर से। सीख कुछ मेरे से, सीख। इतना फैंसी कपड़ा पहने हुए भी झाड़ू लगाया इसने। गाइस नहा धो के ना मैंने वही के वही कपड़े जो है वो पहन लिए, क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना नहीं है। मम्मी का सरप्राइज लेने के लिए पायल और खुशबू ही जाने वाले हैं, क्योंकि गाइस मुझे है ना बैठकर अभी है ना एडिटिंग करनी है। एडिटिंग करना भी जरूरी है ना, खाना जो है वो खा लेता हूं। आज बहुत ही टेस्टी चीज जो है वो पायल ने बनाई है। पायल ने बनाया है ये बैंगन का चोखा, और बनाया है ये चावल, और बनाया है ये वाली दाल। फाइनली बहुत ही अच्छी तरीके से है ना मम्मी पापा ने ये वाली जगह जो है वो साफ कर दी है। यहाँ पे हमारे पुश्तैनी व्हीकल्स जो है वो रख दिए है मम्मी पापा ने बहुत ही अच्छी तरीके से। अब है ना मेहमानों को ये वाली जगह दिखाने में ना मेरे को शर्म नहीं आएगा, पहले तो है ना मेहमानों को ये वाली जगह पे हम आने भी नहीं देते थे। तो जा मम्मी के लिए गिफ्ट ला। पर पापा जाएंगे तब ना जाऊंगी, मैं अकेले तो जा नहीं सकती। तो बोलना उनको फटाफट से जाए। मम्मी एक्साइटेड हो गिफ्ट देखने के लिए? गैस तो कर ही लिया है, आज धनतेरस से तो आपको क्या मिलने वाला है? कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। क्या अपन गैस तो किया होगा ना, कुछ क्या मिलने वाला है? बोलो बोलो। हाथ में के दोगे? हाथ में के कड़े? हाँ। मम्मी इतना भी ज्यादा बजट नहीं है हमारे पास। चैन? नहीं 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 नहीं, नहीं। रहने दो, अभी जो मिलेगा तो देख लेना। मम्मी इस बार का जो गिफ्ट है ना वो मैं अकेले दे रहा हूँ, उसमें पापा ने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की है, ठीक है? अच्छा, हर धनतेरस पे मम्मी को गिफ्ट मिलता है, हमें कब मिलेगा गिफ्ट? तुम्हें रक्षाबंधन पे नहीं मिलता? रक्षाबंधन पे तो मम्मी की भी भैया मम्मी को देते हैं गिफ्ट। नहीं देते? देते हैं। नहीं देते? जैसे मैं गिफ्ट देता हूँ वैसा गिफ्ट तो नहीं देते बे। वैसा नहीं देते पर देते है ना। हाँ देते तो है, पर वो गिफ्ट जो देता हूँ वो गोल्ड का ही देता हूँ ना, तो उससे पेट नहीं भरता तुम लोग का? नहीं, पूरे साल में दो दो गिफ्ट चाहिए, धनतेरस को भी चाहिए, रक्षाबंधन को भी चाहिए। वेट कर वेट कर, अगले साल जरूर दूंगा, ठीक है? अगर नहीं दिया ना तो घर से बाहर निकल जाना। अभी तू पढ़ाई कर, होमवर्क कर, अगर तेरा होमवर्क नहीं हो पाएगा ना तो ये मैडम जो है ना वो तुझे और मेरे को भी साथ साथ में ना घूमने नहीं जाने देगी। जाने देगी मम्मी, जाने देगी। नहीं जाने देगी है ना मम्मी? नहीं जाने दूंगी। देखो
ऐसा करने का मम्मी, हाँ ऐसा करने का, तेरे को हर बार छोड़ देती हूँ, चल बेटा बाद में कर लेना, लेकिन आज नहीं। इस बार थर्ड रैंक आया ना खुशबू का, इसलिए मम्मी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई है ना। पहले फर्स्ट आता था, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आ गया। वाह, हाँ तो मैं नीचे सीढ़ी उतर रही हूँ। लोगों का प्रमोशन होता है तीसरे से दूसरे पे पहला, लेकिन इसका पहले से दूसरे से तीसरे पे, वाह वाह। और वैसे भी मम्मी ये कुछ करती भी नहीं है, दिन भर सोती रहती है, इसलिए इसका ऐसे मार्क्स आए। सोना भी बंद करूंगी, है ना, सिर्फ रात को सोना है, बाकी कभी नहीं सोना। नहीं रात को भी नहीं सोऊंगी। पायल तू उधर ही रहना, वरना तेरे को भी डांट मिलेगी, तू उधर ही रहना। सोने का बात नहीं बोल रही हूँ, रात को तो सब इंसान सोते हैं। दिन में तेरे तरह 2 घंटे टाइम निकाल कर सोती है। 2 घंटे में पढ़ेगी ना तो फर्स्ट रैंक आ जाएगा। पढ़ा नहीं जाता। कमेंट करके बताना कि आपको है ना ये डेली ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं कि नहीं। जो जो हम लोग घर पे जो चीजें करते हैं वही आप लोगों को दिखाते हैं ना, कुछ स्पेशल नहीं करते, बनावटी नहीं करते है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि हम जो चीज नहीं करते हैं वो नहीं करते हैं। आप घर पे रहते हैं तो घर का ही दिखाएंगे, बाहर जाएंगे तो बाहर का दिखाएंगे, है ना, ऐसे ही होता है ना डेली ब्लॉग, तो वैसे ही करेंगे हम भी, ठीक है। मैंने जो चद्दर बोला था वही मैच आ रहा है ना हमारे सोफे के साथ। हाँ। आप तो बोली थी पोप्टी कलर ले लो, पोप्टी कलर नहीं आएगा, ये वाला कलर ज्यादा अच्छा लगेगा हमारे सोफे के साथ। चलो अब यहाँ पे है ना बिछा दो, क्योंकि इसकी हालत देखकर है ना हमको हंसी आ रही है। आयल और खुशबू तो गए हैं मेरी माँ के लिए है ना सरप्राइज लेने के लिए। पहना था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, पता नहीं मम्मी को पसंद आएगा कि नहीं। मम्मी को तो पसंद आएगा क्योंकि भैया ने दिया है, तो मम्मी को तो पसंद आएगा ही आएगा। हाँ, सबके घरे लाइट लाग गई, खाली तोहरे घरे लाइट नहीं खे लागल। अच्छा हमारे बाबू चल खरीद दे तने, पर खरीदे के नहीं थी, जन घरे होई नु वो वाला निकाल ल। अरे वो सब खराब हो गया बेटा। खराब हो गया? हाँ। एक बार चेक तो करो। अरे चेक करके रखी थी, और एक बढ़ता है एक बुझता है, एक बढ़ता है एक बुझता है, एक बढ़ता है एक जलता है एक बुझता है, एक जलता है एक बुझता है। तो बढ़ता क्या होता है? भोजपुरी में बोल रही हूँ। भोजपुरी में जलने को बढ़ता होता है। हाँ। अच्छा बढ़ता है गाइस, बढ़ता है। मम्मी 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 आप जो बोलते हो ना मेरे को बहुत ही हंसी आती है। जब मैं वीडियो एडिट करता हूँ तो आधा समय तो है ना हंसते हंसते मेरा पेट है ना दुखने लगता है। मम्मी हंसते रहो। मम्मी हमारी फुल ऑन एंटरटेनमेंट है ना। शहर में पैदा हुए हो ना, इसीलिए तुम लोगों को मालूम नहीं पड़ता है बिहारी भाषा। सही बात है। फाइनली हम मम्मी को सरप्राइज देने वाले हैं। ये रहा मम्मी का धनतेरस का गिफ्ट, पर्स। पर्स नहीं है, पर्स के अंदर की चीज देने वाले हैं मम्मी। एक बार और गैस करो मम्मी इसके अंदर क्या होगा। आप कर सकते हो गैस, कुछ बड़ा गैस करो। करो 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 करो, अपनी सोच बड़ी करो। रहने दो गाइस, जितने देर में ये सोचेगी ना उतने देर में मैं खोल के दिखा दूंगा। हाँ। तो ये रहा मम्मी आपका पहला गिफ्ट। पहली बार मैं भी देख रहा हूँ गाइस। तो ये रहा मम्मी के इयररिंग्स। कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे बड़े बड़े इयररिंग्स मम्मी को चाहिए थे, तो हमने सोचा कि इस धनतेरस पे हम मम्मी को दे दे, है ना। ये सब लेने की क्या जरूरत था? ये सिर्फ वीडियो के लिए बोल रही है गाइस, मन तो इसका पहले से था ये सारी चीजें लेने का था। मैं सोच रही थी पापा खरीद कर देंगे। हाँ। लेकिन आपके बेटे ने दे दिया। हाँ। उनसे पहले देखो मैं हूँ ही कमाल गाइस, मैं हूँ ही कमाल, क्या करूँ गाइस। ये सब सिर्फ आप लोगों की वजह से हो पा रहा है गाइस, है ना। बहुत अच्छा लगा। ये रहा मम्मी आपका डबल धमाका। एक मिनट मम्मी, आपने सोचा था कि आपको दो दो गिफ्ट्स मिलेंगे? नहीं, हर एक खुशियों पे आपका हक है। हम्म, ये सारी चीजों पे हक है आपका, है। हाँ। ना खुशबू, ऐसा नहीं सोचने का कि मैं ये चीज नहीं ले सकती, वो ये चीज नहीं ले सकते, वो ये चीज नहीं ले सकते। फर्ज है मम्मी को गिफ्ट देने का, और मम्मियों का फर्ज होता है कि गिफ्ट लेने का। हाँ। मम्मी एक्साइटेड हो ये दूसरा गिफ्ट देखने के लिए? दिखाओ। इस बार मम्मी रो ही नहीं है, बिकॉज मम्मी को अभी खुशी हो रहा है। यस, खुशी के आंसू भी नहीं निकाली है। नहीं 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 मम्मी स्ट्रांग है, आप बहुत ही स्ट्रांग हो, ठीक है। सो ये रहा, इस बार आपको पहले दिखाता हूँ फिर गाइस को दिखाऊंगा, ठीक है। ये रहा सेकंड गिफ्ट। वाह। जैसा आपको चाहिए था वैसा ही है ना। हाँ। अब गाइस आप देख लीजिए,
ये रहा मम्मी का हाल इस दिवाली का, लो। मम्मी के पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ, अब ये इमोशनल हो जाएगी, इसका तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। मम्मी रोने की क्या आदत है? देख फिर से रो दी। अभी अभी बोली थी कि तुम लोग कैसा भी गिफ्ट दोगे मैं रोने वाली तो नहीं हूँ, और अभी देखो। नहीं, रो मत, हमारी खुशी देखो मम्मी, हम आपको इतना मतलब अच्छा अच्छा गिफ्ट दे पा रहे हैं, हमारी खुशी देखो। गाइस देखो मेरी मम्मी पे अच्छा लग रहा है ना, मैं बार बार बोलूंगा थैंक यू गाइस, आप सबके वजह से ये मतलब ये दिन मैं देख रहा हूँ। मैंने मम्मी को इतना मतलब एक्सपेंसिव सा मैंने नेकलेस दिया है, थैंक यू सो मच। वैसे तो चाहते तो हम नहीं भी दिखाते, लेकिन आप लोगों की वजह से ही मतलब इतना अच्छी अच्छी चीजें मैं ले पा रहा हूँ, तो मैं क्यों ना दिखाऊं। आप लोग मेरे एक परिवार के जैसे हैं। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। हाँ बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी। और आप अपने बेटे की तारीफ कर? अरे मुझे तो गर्व है अपने बेटे पे। बहुत गर्व है। हाँ बेटे पे, बेटियों पे दोनों सेम सेम है। हाँ ऐसा नहीं है बेटे पे ज्यादा और बेटी पे, हमारे लिए तो दोनों बराबर है। नहीं मम्मी अभी निकाल दो, छठ पूजा को पहनना ठीक। मुझे ना अपनी कुछ दिल की बात ना आप लोगों के साथ ना शेयर करनी है। माँ ने मेरे लिए इतना कुछ किया है ना गाइस, ये गोल्ड की चीज तो कुछ नहीं है। मैं मेरी माँ को ना एकदम इस दुनिया की सारी खुशी जो है वो देने वाला हूँ, जो मेरे वजह से उनकी सारी की सारी खुशी जो है वो चली गई थी एक समय पे, क्योंकि उन्होंने अपनी जो गोल्ड की चीज़ें थी वो सारी मतलब बेच दी थी, क्योंकि वो एक ऐसा समय था जहाँ पे हमारे घर में कुछ भी नहीं था। वो समय ना 4-5 साल का था। उस समय में मम्मी ने ना अपने चीज़ों को है ना गिरवी रख कर सोनार के पास है ना गिरवी रख कर है ना मेरे लिए स्टडीज़ की चीज़ें, फीस भरना, ट्यूशन करना, वो सारा चीज़ें करवाती थी। मतलब उस समय ना मेरे पापा का जो मतलब बिजनेस था वो अच्छे से चल नहीं पा रहा था, कंस्ट्रक्शन का, तो हमको है ना बहुत सारी मतलब डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी वो दौर में। मम्मी ने ना मुझे मेरे परिवार को पूरा है ना बहुत ही समेट के रखा, बहुत ही हिम्मत दी है। सो वो सारी चीज़ें जो है वो आधे तो मैं उनके पास ला के नहीं रख सकता, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है अभी भी मैं मम्मी को है ना उनके पुराने जेवर जो है वो ला के दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये वाला जो गिफ्ट है मैंने अपने खुद के पैसों से सोलो गिफ्ट, ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट जो है जो मैंने मतलब इतना एक्सपेंसिव मेरी मम्मी को दिया है, वो भी सिर्फ खुद से कमा के, कोई भी पापा की हेल्प नहीं लिए, अकेले ही है ना अर्न करके जो है वो अपनी माँ के लिए इस धनतेरस पे लाया हूँ। मेरे में हिम्मत भी नहीं हो पा रहा था कि मैं वो दुकान में जाकर वो चीज़ खरीदूँ, क्योंकि मुझे जो वो पूरा क्योंकि मुझे जो वो पुरानी चीज़ें जो है वो याद आ रही थी, मेरे बचपन वाली, वो वाला दौर कैसा था ना गाइस, मैं वो दौर में वापस नहीं जाना चाहता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे मतलब ये खुशी के आंसू है मेरे, कोई दुख वाले आंसू नहीं है। सो थैंक यू गाइस सो मच, आप लोगों की वजह से ही मैं अपनी माँ को इतना अच्छा जो है वो गिफ्ट दे पाया। ये वाली मंदिर में लगाऊं कि ये वाली मंदिर में लगाऊं? नहीं रही इस साइड से, ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है, ये वाली। हाँ चलो यही लगाएंगे, चलो खुशबू को बोल दिया तो लगा देते हैं। ठीक है। हमारा बोर्ड भी ऐसा है ना, डर लग रहा है चालू करने में, नहीं हुआ। खुशबू क्यों आज उदास बैठी हुई है तू? मुझे कुछ काम करने को नहीं मिल रहा है। अरे अभी तो पूजा पाठ है ना, वो एक काम ही तो है करना बैठ के, ठीक है? बोलो लक्ष्मी माता जी की जय। जगदीश हरे भक्त जनों के संकट, भक्त जनन के संकट शरण में दूर करे। जगदीश हरे ओम जय, जगदीश हरे ओम जय, जगदीश हरे। धनतेरस है भैया आज, मतलब आज छोटी दिवाली कहते हैं कुछ भी। हाँ पूछ ले पापा से, है ना आज छोटी दिवाली कहते हैं ना धनतेरस को? नहीं पता, मैंने देखे हैं वीडियोस बहन, आज छोटी दिवाली है। हाँ भी मान लेते हैं।